भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय चुनाव समिति ने अलग अलग राज्यों में होने वाले आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी की है। इसमें मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और हरियाणा के लिए 16 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। पार्टी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को फिर से टिकट दिया है। भाजपा ने राज्यसभा चुनाव के लिए यूपी से 6 उम्मीदवारों की घोषणा की है। पार्टी ने राधा मोहन दास अग्रवाल और लक्ष्मीकांत वाजपेयी को उम्मीदवार बनाया है। अग्रवाल ने यूपी चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए गोरखपुर विधानसभा सीट छोड़ी थी। इसके अलावा संगीता यादव, बाबूराम निषाद, सुरेंद्र नागर और दर्शना सिंह को भी प्रत्याशी घोषित किया है। जयप्रकाश निषाद को टिकट काट कर दिया गया है। मौजूदा सदस्यों में से केवल सुरेंद्र नागर को टिकट दिया गया है। आपको बता दें कि पार्टी ने मध्य प्रदेश में कविता पाटीदार को उम्मीदवार बनाया है। तो वहीं महाराष्ट्र से पीयूष गोयल, धनंजय महादिक और अनिल सुखदेव को उम्मीदवार घोषित किया है। राजस्थान से घनश्याम तिवारी को उम्मीदवार बनाया गया है। उत्तराखंड में डॉक्टर कल्पना सैनी और बिहार में सतीश चंद्र दुबे व शंभु शरण पटेल को उम्मीदवार घोषित किया गया है। वहीं हरियाणा से कृष्णलाल पनवार के नाम का ऐलान हुआ है। झारखंड से आदित्य साहू को पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया है। आपको बता दें कि झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, हरियाणा, पंजाब की 2-2 सीटों पर चुनाव होंगे। उड़ीसा, मध्य प्रदेश की 3-3, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की 4-4 सीटों पर नए सदस्य चुने जाने हैं। महाराष्ट्र, तमिलनाडु की 6-6 और उत्तराखंड की 1 सीट पर चुनाव होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।